मशीन दूसरी डीबूस्टिंग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। लैंडर चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। लैंडर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चुनौतीपूर्ण समय में आशा की किरण बनकर चमक रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। विकास की गति बनाए रखने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह आज ग्वालियर में भाजपा कार्य समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। भोपाल में भाजपा सरकार के 18 साल का रिपोर्ट कार्ड करेंगे जारी। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से हुए जानमाल का करेंगे आकलन। पाकिस्तान में चर्च और घरों को जलाने की घटना की संयुक्त अरब अमीरात ने की कड़ी निंदा। धार्मिक प्रतीकों का सम्मान करने की दी नसीहत। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच डबलिन में आज। 3 मैच की सीरीज में अजय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगा भारत। फीफा महिला विश्व कप का फाइनल आज। इंग्लैंड और स्पेन के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन आज तड़के 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में चंद्रयान की गति को कम किया गया है। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल उम्मीद के मुताबिक सही तरह से काम कर रहा है। साथ ही कहा कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और सूरज के उगने तक वह लैंडिंग साइट पर इंतजार करेगा। यहीं से ही 23 अगस्त को शाम 5:45 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। और इस बीच चंद्रमा पर भारत से पहले पहुंचने की कोशिशों में लगे रूस को झटका लगा है। रूस के अंतरिक्षयान में तकनीकी खराबी आ गई है और इसके चलते इसकी कक्षा नहीं बदली जा सकी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने कहा कि वैज्ञानिक हालात का विश्लेषण कर रही हैं। बता दें कि लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। और चेन्नई से हमारे संवाददाता एम जय सिंह इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जय सिंह, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर चांद पर एक और कदम आगे बढ़ा यहां पर चंद्रयान 3 और अब सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी पर यह रह गया है, अगर हम सरल भाषा में इस लैंडमार्क को अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो किस तरह से आप समझाएंगे? गुड मॉर्निंग जया, गुड मॉर्निंग ऑडियंस। एक्चुअली इंडिया हैज मेड यू नो द जर्नी ऑफ चंद्रयान 3 सो फार एज अ वेरी स्मूथ अफेयर। इट इज पिक्चर परफेक्ट जर्नी सो फार। It has made its journey to an elliptical orbit of 25 kilometer at its nearest point to the moon and 134 kilometer at its furthest point to the moon. So now what next? It is going to wait for the sunrise on the surface of the moon. It is expected to happen day after tomorrow by evening. When it comes to that 25 kilometer radius orbit, 25 kilometer distance from above the surface of the moon, and also at a position just above, you know, south pole, close to the south pole, then the orientation of the Chandrayaan 3 module, lander module, will be tilted to a vertical position. Now it is in horizontal position. It is going to be turned to a vertical position. And then it will have a powered, very smooth, very slow descent. The slow descent is
very complex operation, but at the same time the most crucial one. Then only the soft landing is possible, and the scientist of ISRO has made all the software updates and other preparations, like reinforcing its lander legs and enhancing the landing area, the probable area of landing. All these things have been already made, and now the internal checks of Chandrayaan 3's lander module Vikram, which is named after India's father of space research, Vikram Sarabhai, which means whaler. And Vikram is consisting of the rover Pragyan. So it is now revolving around the, rotating around the moon at an opportune time on 23rd of this month, the day after tomorrow, by evening at around 5 hours 47 minutes in the evening, the powered descent is going to happen. So India will join the select league of 4 nations by then, and also the first to land near the south pole of the moon. बिल्कुल, यहाँ पर जैसे जो सबसे बड़ी चुनौती, यहाँ पर हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी चंद्रयान तीन के लिए, वो है कि अपनी रफ्तार को कम करना, जिसके लिए डीबूस्टिंग की पहली प्रक्रिया भी की गई। किस तरह से आपको लगता है कि ये तमाम चुनौतियों को पार करता नजर आ रहा है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ये भी कह रहे हैं वैज्ञानिक की कैसे उसकी आंतरिक जाँच भी की जाएगी, तमाम ऐसी चीजें हैं जो उस पर ध्यान में रखनी काफी मुश्किल होगा, किस तरह से उसकी रफ्तार को कम की यहां पर बात हो रही है, और क्या क्या चुनौतियां इस वक्त देख रहे हैं इसरो? Well, once the orbit has been reduced, now the deboost operation is final. The expected, the orbital has been reached already. Now the next operation is to, change the orientation of the aircraft, the spacecraft, and to a vertical position. Now it is on a horizontal position. It is going to be turned to a vertical position before the soft landing, and the lander has 4 deboost thrusters to reduce the speed. Now it is traveling at an at a speed of more than several thousands of kilometers per hour. It has to be reduced. For that, the deboost thrusters are fitted on board the lander module. Its legs, near the legs, they are fitted, so they will be fired to reduce the distance and also to change the orientation at the desired position. Another point here is the spacecraft, the lander module Vikram of Chandrayaan 3 has inbuilt cameras that will always view, sense the probable, the best possible landing site, which is free from any hurdles. So these inbuilt features are already there in Chandrayaan 3. So therefore, the scientists of ISRO have, gathered valuable information from the experience gained in Chandrayaan 2. So whatever shortcomings were there in Chandrayaan 2, they have been overcome already. Therefore, they are this time, hopeful of a very picture perfect soft landing near the south pole of the moon. बिल्कुल, तो चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुका है चंद्रयान 3, किस तरह से डी बूस्टिंग का जो चरण था वो पूरा हुआ है, और अब लैंडिंग में क्या कुछ मुश्किलें हैं, क्या कुछ चुनौतियां हैं, इस पर सभी अपनी निगाह बनाए हुए हैं। 23 अगस्त को लैंडिंग की उम्मीद की जा रही है, इस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिंह हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से चांद की तस्वीरें भी रिलीज की हैं इसरो ने, वाकई बेहद ऐतिहासिक और यादगार लम्हा होने वाला है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। डाप डिप डाप, डोरे मोरे मो, डाप डिप डाप, तुम बाप बार बार मेरे मो। अबे देख, डाप बाप बोर बाप बार बार मेरे मो, डाप डाप डिप डाप बोर बो, डाप बाप। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी, स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो डबल इंजन की सरकार है वो 20,000 10 ओके दोनों नो नो 10 का एक इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। विकीबात स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौती के दौर में आशा की एक नई किरण बनकर उभरी है। एक बिजनेस न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत विकास और चुनौतियों से उबरने की क्षमता देश के भविष्य के लिए आशाजनक है। उन्होंने सभी से विकास की गति बनाए रखने और 140 करोड़ भारतीयों की समृद्धि सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने न केवल चुनौतियों का सामना किया है बल्कि आर्थिक आशावाद का आधार भी तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2025 तक भारत का विनिर्माण क्षेत्र 10 खरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई है और अधिकांश भारतीय युवा हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्ष 2027 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार के 18 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह विकास और गरीब कल्याण को लेकर प्रत्येक विधानसभा में पहुंचने वाले प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान प्रदेश की वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचेंगे जहां अटल सभागार में वृहद कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमित शाह प्रदेश भर के 1500 से ज्यादा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं जहां पर कि वो राजधानी भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जो बीजेपी सरकार है उसका पिछले 20 वर्षों का लेखा जोखा यहां पर पेश करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि केंद्र और राज्य सरकार कि जो योजनाओं के माध्यम से जो लाभान्वित है उन तक बीजेपी पहुंचे और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को मोबिलाइज किया जाए और ऐसे लोगों को बीजेपी की तरफ मोड़ा जाए। चरण में विजय शर्मा के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज भोपाल। और आइए सीधे रुख करते हैं अजीत द्विवेदी का। भोपाल में इस वक्त वो मौजूद है हमारे साथ लाइव। अजीत, जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हुई है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है अमित शाह का ये दौरा। रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, क्या कुछ तैयारी आप वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल जया, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये हम कह सकते हैं कि पिछले 20 दिनों में ये दूसरा दौरा है, जो कि 30 जुलाई को वो इंदौर में आए थे और उसके बाद आज वो राजधानी भोपाल में आ रहे हैं जहां पर कि वो बीजेपी का जो सरकार है वर्तमान में उसका रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, उसका लेखा जोखा वो पेश करेंगे। इसके अलावा जो यहां पर गरीब कल्याण महाअभियान जो है उसकी शुरुआत करेंगे और इस अभियान के तहत बीजेपी कोशिश करेगी कि जो पिछले कुछ वर्षों में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में करीब 1,36,00,000 गरीबी रेखा के नीचे वाले जो
लोग जीवन यापन करते हैं उनका जीवन सुधरा है, उन्हें तमाम जो सरकार की योजनाएं रही, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए चाहे राज्य सरकार की बात की जाए, उन योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। तो ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सामने लाया जाएगा, ऐसे लोगों को प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसे लोगों को बीजेपी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा और कोशिश की जाएगी, जैसे कि जहां जहां पर भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो वहां चाहे बूथ लेवल की बात की जाए चाहे संभाग लेवल की बात की जाए, उन कार्यकर्ताओं को भी मोबिलाइज करने का अभियान है। और कोशिश की जाएगी कि चुनाव तक जो है बीजेपी का जो संगठन है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाए, पूरी तरीके से क्रियाशील हो जाए, और जिस तरीके से तमाम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम जो योजनाएं रही हैं जिनके की एक आम व्यक्ति का जीवन जो है वो पहले से बेहतर हुआ है, पहले के मुकाबले उनके जीवन स्तर पर काफी सुधार आया है, ऐसे तमाम योजनाओं को लेकर गरीबों के पास जाया जाएगा, ऐसे आम लोगों के पास जाया जाएगा। और इसको लेकर रणनीति बनाई गई है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनाई है कि जो आम गरीब है, जो आम जो लोग हैं, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हो या आम मिडिल क्लास के लोग हो, ऐसे लोगों तक पहुंचा जाए, ऐसे लोगों को सरकार की रीति नीति बताई जाए और बताया जाए कि डबल इंजन की सरकार 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार और 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश में किस तरीके से विकास हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, बिजली सड़क पानी की बात की जाए, या तमाम जो रोजगार के अवसर हुए हैं, तमाम जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगी है उसकी बात की जाए, तो हर क्षेत्र में किस तरीके से विकास हुआ है, किस तरीके से केंद्र और राज्य ने दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश में एक जो बीमारू राज्य कहलाया करता था उसको बीमारू से लेकर तकतीशील राज्य तक में उसको लाया है और आगे विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर जो कार्यकर्ता है उनको मोबिलाइज किया जाएगा और लोगों तक पहुंचा जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में लगातार वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर संगठन से लेकर बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ता है उनकी बैठकें वो ले रहे हैं और आज वो जो बीजेपी की जो यहाँ पर बैठक है, बड़ी बैठक है, उसको संबोधित करेंगे। साथ ही कोशिश की जाएगी कि जो आसपास का जो भी मध्य प्रदेश में जो आगामी चुनाव को लेकर लगातार जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल भी सक्रिय हो गए हैं, तमाम तरह की चीजें आ रही है, तो बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से बताएगी कि पिछले 18-20 सालों में मध्य प्रदेश की स्थिति कहां से कहां तक आई है और किस क्षेत्र में कितना विकास जो है मध्य प्रदेश ने किया है। क्योंकि देखिए लगातार आरोप लगते रहते हैं कि सरकार ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया है, इस क्षेत्र में काम नहीं किया है, लेकिन आज पूरी तरीके से एक डेटा एनालिसिस के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से चीजें सामने रखी जाएंगी कि 18-20 वर्षों में बीजेपी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने केंद्र की सरकार के सहयोग से किस तरीके से मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर जो है वो बदलने का काम किया है। और इसलिए आज का जो कार्यक्रम जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह खुद अध्यक्षता करेंगे, खुद वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे जिस पर कि सभी की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि देखिए तमाम तरह की आरोप भी लगे सरकार पे, लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड के जारी होने के बाद एक फैक्चुअल डाटा जो है लोगों के पास होगा कि पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश में किस क्या स्थिति से कौन सी स्थिति तक हम पहुंच बिल्कुल अजीत है। यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा आज काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से वहां पर तैयारी चल रही है उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते भी नजर आएंगे यहाँ पर अमित शाह। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? या नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा, नॉन स्टॉप म्यूजिक चलेगा, चलेगा, नॉनस्टॉप चलेगा। अब नॉन स्टॉप पेमेंट ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। देख You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. और अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आफत वाली भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक 6 जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें शिमला सहित मंडी, सोलन, सिरमौर शामिल हैं।
हिमाचल प्रदेश में हाल ही के दिनों में तेज बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। राज्य में जल आपूर्ति, बिजली वितरण, सड़कें और अन्य आवश्यक संसाधन प्रभावित होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज प्रदेश का दौरा कर राज्य में हुए जान माल के नुकसान का आकलन करेंगे। वे इस प्राकृतिक त्रासदी में दिवंगत लोगों के परिवारजनों के साथ मुलाकात भी करेंगे। शिमला के समरहिल के शिव बावड़ी में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में राहत व बचाव कार्य के दौरान कल एक और शव बरामद हुआ है। इस तरह अब यहां प्राप्त शवों की कुल संख्या 17 हो गई और कुछ लोगों की अभी भी तलाश जारी है। लद्दाख में एक दुखद दुर्घटना में कल शाम सेना के वाहन की खाई में गिरने से 9 जवानों की जान चली गई। इनमें एक जेसीयू भी शामिल है जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई। वे ले से न्योमा जा रहे काफिले का हिस्सा थी और यह हादसा क्यारी गांव से 6 किलोमीटर आगे हुआ है। इस दुर्घटना में घायल एक सैनिक का इलाज जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, ये जानकर बेहद दुख हुआ कि लेह में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की जान चली गई। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। भगवान उन्हें इस त्रासदी को सहने की शक्ति दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि लद्दाख में सड़क दुर्घटना में बहादुर सेना के जवानों की जान जाने से गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख घटना पर गहरा दुख का इजहार किया है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह के पास दुर्घटना से दुख हुआ जिसमें हमने भारतीय सेना के कर्मियों को खो दिया। राष्ट्र के प्रति उनकी समृद्ध सेवा सदैव याद रखी जाएगी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। जो लोग घायल हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया कि लद्दाख में लेह के पास एक दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों को खोने से दुखी हूं। हम अपने राष्ट्र के प्रति उनके अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। हादसे के घायल को फील्ड अस्पताल ले जाया गया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000. 10. Okay. दोनों? No no. 10 का एक. इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। तो वहीं मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद म्यांमार में आश्रय लेने वाले भारतीय नागरिकों को मणिपुर पुलिस, भारतीय सेना और असम राइफल्स सहित संयुक्त सुरक्षा बल सुरक्षित वापस ले आए हैं। सीमावर्ती शहर मोरे में रहने वाले मैतेई परिवार के घरों को उपद्रवियों द्वारा जलाए जाने के बाद वे शहर छोड़कर भाग गए थे और म्यांमार की सीमा में प्रवेश कर गए थे। 3 महीने से अधिक समय तक म्यांमार में आश्रय लेने वाले परिवारों को सुरक्षा बल मोरे में सुरक्षित वापस ले आए। अब परिवार मोरे में स्थित असम राइफल्स के शिविर में आश्रय लिए हुए हैं। असम राइफल्स उन्हें आवश्यक राहत सामग्री प्रदान कर रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए भारतीय सेना और असम राइफल्स को भारतीय नागरिकों को म्यांमार से वापस लाने के उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया है।
और वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 17 से 20 अगस्त तक चल रहे Y20 के सम्मेलन में दूसरे देशों से आए प्रतिनिधि बेहद उत्साहित हैं और वहां पर मौजूद युवा उन्हें हर तरह की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर में काम कर रहे युवाओं से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने की खास बातचीत। Y20 वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चल रहा है। ये वो युवा हैं जो या तो उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तराखंड से। इनकी भी अपनी भूमिका है इस Y20 में। जो विदेशों से डेलीगेट्स आए हैं उनके साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं। मैं Y20 की सेक्रेटेरिएट में प्रोग्राम्स एंड लॉजिस्टिक टीम में प्रोग्राम्स मैनेज कर रही थी अभी तक, एंड अब मैं यहाँ पे लाइजन ऑफिसर के रोल में हूँ। एंड हमारा काम है डेलीगेट्स के साथ कम्युनिकेट करना, उनको समझाना, बताना, जो भी आगे से शेड्यूलिंग आती है, आइटनरी आती है, वो सब। हमको यहाँ आने का सुबह स्वागत हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा। घाट भी घूमे हम, काशी सुंदर मंदिर जी भी घूमे। वाराणसी में एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, प्लस मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ तो इस सिटी में मुझे आके बहुत पीस मिलता है। मैं यहाँ पर लाइसेंसिंग ऑफिसर के काम कर रहा हूँ और मैं डेलीगेट अफेयर्स टीम में हूँ। मतलब मैं सारे डेलीगेट्स, जितने भी अपने इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, उनके सारे लॉजिस्टिक्स देखता हूँ, उनका ट्रैवल देखता हूँ, उसमें काम कर रहा हूँ। वाराणसी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है क्योंकि काशी एक तो महादेव की भूमि है और सबसे ही पुराना शहर है पूरी दुनिया का, जैसे कि आप सब जानते हैं। यहाँ पर आके जब आप घाट पर जाते हैं और जब आप पानी को देखते हैं, जब आप गंगा माता को देखते हैं और छूते हैं, जब डुबकी लगाते हैं, तो जो आपके अंदर शांति आती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। काशी के प्रति इनके भाव हैं जो हृदय में, वो अद्भुत हैं और लोगों के भी हैं, चूँकि बाबा विश्वनाथ के कारण, काशी पुरानी नगरी होने के कारण, या यहाँ के घाटों के जो अलौकिक दृश्य है, अलौकिकता है, उसके कारण। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी। और भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। कप्तान जसप्रीत बुमराह की शानदार वापसी से उत्साहित भारतीय टीम आज मैच में जीत दर्ज कर 3 मैचों की सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। भारत इसके साथ ही बेहतर मौसम की भी उम्मीद करेगा जिससे युवा बल्लेबाजों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। पहले T20 में भारत ने आयरलैंड को बारिश के कारण बाधित मैच में 2 रन से हराया था। डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत को जीत हासिल हुई थी। और फीफा महिला विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज इंग्लैंड का सामना स्पेन के साथ होगा, यानी इसके बाद दुनिया को नया विश्व चैंपियन मिलेगा। दरअसल ये दोनों ही टीमें अब तक विश्व खिताब नहीं जीत पाई हैं। यूरोपीय चैंपियन इंग्लैंड के पास ये इतिहास रचने का दूसरा मौका होगा जब वे लगभग एक शाम के समय में कोई दूसरा बड़ा खिताब अपने नाम करेंगे। गौरतलब है कि विजेता टूर्नामेंट के 9वें संस्करण में विश्व चैंपियन बनने वाला 5वां अलग देश बन जाएगा। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका 4 बार, जर्मनी 2 बार, नॉर्वे और जापान 1-1 बार विश्व कप जीत चुके हैं। वहीं स्पीडर ने महिला विश्व कप में 3rd स्थान के लिए हुए मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के बाद टीम ने स्वीडन ने चौथी बार कांस्य पदक हासिल किया है। तो आज के हमारे योग सूत्र में आप जानेंगे शंख आसन के बारे में। शंख आसन आंत की शुद्धि पर पेट से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध होता है। तो कैसे करते हैं ये शंख आसन, जानते हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी के साथ। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। एक सूत्र आता है कि सर्व रोग मलाश्रयः, सारे रोगों की जड़ मल है। अगर शरीर का मल बाहर नहीं निकलता तो हमें रोग घेर लेते हैं और रोगी शरीर सिर्फ और सिर्फ दुख भोगता है। सुबह उठकर के पेट साफ ना होना एक बहुत आम समस्या है। अक्सर लोग परेशान रहते हैं और हमें ये समझना होगा कि ये जैसे हम रोज़ भोजन करते हैं, ऐसे ही रोज़ मल का विसर्जित होना, पेट साफ होना भी महत्वपूर्ण है। हालांकि अब लोग ये मानने लगे कि 3 से 4 दिन तक अगर स्टूल डिस्चार्ज नहीं होता तो वो नॉर्मल है, पर अगर हम योग पद्धति को देखें, यौगिक जीवन शैली को देखें तो ये नॉर्मल नहीं है। हमें प्रतिदिन हमारा पेट साफ होना चाहिए, प्रतिदिन हमारा स्टूल डिस्चार्ज होना चाहिए, हमारा पेट सुबह खाली होना चाहिए, मल का विसर्जन होना चाहिए। अगर आपका भी मल विसर्जित नहीं होता है सुबह, या आपके आंतों से जुड़ी हुई कोई समस्या है,
पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है या फिर अपच की प्रॉब्लम है, तो आपको करना है शंख आसन का अभ्यास। यथा नाम तथा गुणा, शंख यानी आते, तो हमारी आतों को शुद्ध करता है शंख आसन। कैसे करते हैं शंख आसन? बहुत सरल है, हम उकड़ू बैठ जाते हैं शंख आसन के लिए, यानी इस प्रकार से अपने घुटनों पर उकड़ू, आप इस तरह से आ जाइए। हमने उकड़ू बैठना छोड़ दिया जिसके कारण घुटनों की समस्या भी होने लगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी होने लगी हैं। तो इस तरह से बैठना और दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देना। अब यहाँ आने के बाद आपको ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड से। कैसे? ऐसे ट्विस्ट करेंगे कि राइट घुटना लेफ्ट पंजे को छू जाए और आप लेफ्ट साइड से ट्विस्ट कर जाए। यहाँ आपके आंतों पर पड़ने वाले प्रभाव पर पूरा का पूरा ध्यान टिकाएंगे, सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड से ट्विस्ट करना ऐसे कि लेफ्ट घुटना राइट पंजे को छू जाए, सांस भरते हुए वापस, फिर से लेफ्ट साइड वापस आ जाए, राइट साइड वापस आ जाए। आप अपने पैरों को सामने फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्य, कम से कम 5 बार हम शंखासन का अभ्यास करें। प्रातःकाल उठ करके अगर आपका पेट साफ नहीं होता, नियमित योगाभ्यास में तो इसे ऐड करें ही करें। सुबह उठ करके 2 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए और उसके तुरंत बाद आप इसका अभ्यास कीजिए 5 बार, तो आप देखेंगे कि जमा मल भी बाहर निकलने लगेगा। आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करें, आप अपनी डाइट में फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करें, आप अंजीर का सेवन ज़रूर करें, आप पानी खूब पिएं और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें।